भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दिया, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर देता हूं। चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहूंगा, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए, अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो, एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे, और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करें।